Good morning, class. This is our new genetics class in which today we will study about the next topic of our genetic subject, that is dysmorphism. Dysmorphism, it is an important topic according to your exam point of view. ये दो शब्दों से एक्चुअली मिलकर के बना हुआ है डिस और मॉर्फिज्म. मॉर्फिज्म शब्द मॉर्फोलॉजी के लिए यूज़ करते हैं, डिस मतलब एबनॉर्मल. तो फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है एन एबनॉर्मैलिटी इन मॉर्फोलॉजिक डेवलपमेंट इज डिसमॉर्फिक. भाई मॉर्फोलॉजिकल डेवलपमेंट अगर सही नहीं हो पा रहा है, कोई एबनॉर्मैलिटी उसमें आ रही है, तो उसी को अपन डिसमॉर्फिक कहते हैं. डिसमॉर्फिज्म उस प्रोसेस को कहते हैं. ऐसा ही एक वर्ड है एलोमॉर्फिज्म. Ability to appear in different morphological form, या फिर morphological form अलग हो जाए तो उसको भी dysmorphism कहते हैं, या आप इसी को allomorphism भी कह सकते हैं कि अलग दिखाई दे जाए. तो allomorphism और abnormality आ जाए morphological development में तो dysmorphism. तो dysmorphism को अपन dysmorphia भी कहते हैं. ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब badness of form, मतलब form बिगड़ गई है. फॉर्म मतलब जो दिखाई दे रहा है वो बिगड़ गया, यानी मॉर्फोलॉजी बिगड़ गई है. दिस रेफर्स टू द माल फॉर्मेशन और एन एबनॉर्मेलिटी इन द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी. या तो बॉडी का शेप साइज माल फॉर्म्ड हुआ है, मतलब सही बना नहीं है, या एबनॉर्मल हो गई है शेप साइज, इसका मतलब डिसमॉर्फिज्म है. डिसमॉर्फिज्म फेशियल भी हो सकती है, स्ट्रक्चरल भी हो सकती है. हो सकता है चेहरा बिगड़ गया हो, डिसमॉर्फिक हो गया, या उसकी स्ट्रक्चर जो है बॉडी की रिमेनिंग स्ट्रक्चर बदल गई हो. जैसे ये देखिए डिसमॉर्फिक चाइल्ड बताए गए हैं, अलग दिख रहे हैं ना, अजीब दिख रहे हैं, नॉर्मल नहीं दिख रहे हैं ये बच्चे. तो बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर क्या है, या बॉडी डिसमॉर्फिक फीचर क्या है? डिसमॉर्फिक फीचर का मतलब है बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाना, डिफरेंस आ जाना, उसके अंदर कुछ अलग दिखाई देना. ये आइसोलेटेड हो सकती है फाइंडिंग्स में नॉर्मल इंडिविजुअल से. मतलब नॉर्मल इंडिविजुअल अगर हम किसी को कह रहे हैं तो वो थोड़े अलग दिख रहे हैं, जबकि हम किसी को कह रहे हैं नॉर्मल इंडिविजुअल से अलग है, मतलब उसमें कुछ अलग चीज़ हो गई, वो आइसोलेट हो गए हैं. या फिर ये मतलब या फिर तो क्या, ये एक कंजेनेटल डिसऑर्डर होता है, जेनेटिक सिंड्रोम हो सकता है, या एक बर्थ डिफेक्ट हो सकता है. कंजेनेटल डिसऑर्डर, जेनेटिक सिंड्रोम या बर्थ डिफेक्ट, ये हो सकता है. डिसमॉर्फिक फीचर जो है वो वेरी कर सकता है, आइसोलेटेड हो सकता है, ये माइल्ड एनोमली के रूप में दिखाई दे सकता है, जैसे क्लाइनोडैक्टाइली या सिनोफायरस से लेकर के. ये सीवियर कंजेनाइटल एनोमली के रूप में भी दिखाई दे सकता है, जैसे हार्ट डिफेक्ट हो जाए किसी को, होलोप्रोसन सिफेली हो जाए. तो ये मतलब छोटी से लेकर के इसमें बड़ी बीमारी तक दिखाई दे सकती है. छोटी से लेकर मतलब चेहरे का गाल का डिम्पल, ये एक डिसमॉर्फिक कंडीशन है, पर बहुत छोटी सी, इसमें कोई अपन इसको एबनॉर्मलिटी बोलते ही नहीं है. यहाँ से लेकर के हो सकता है इतना सीवियर के हार्ट डिफेक्ट हो जाए, जैसे कईयों में आपने सुना है कि दिल में छेद है, उसके दिल में छेद है. तो ये क्या है, ये एक स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी तो है जो जन्म के साथ दिखाई दी है. ये तो यानी लाइफ में 25 साल की उम्र में अचानक दिल में छेद हो गया, नहीं. अगर किसी के है तो जन्म के साथ ही, जन्म जात है, कंजेनाइटल है. तो छोटी से लेकर के बड़ी बीमारी के रूप में भी दिखाई दे सकती है. कॉमन डिसमॉर्फिक फीचर्स में वाइड स्पेसिंग हो सकती है चेहरे में, आईज़ के बीच में बहुत दूर दूर आईज़ दिखाई दें. हाइपर टैलोरिज्म दिखाई दे सकता है, नैरो स्पेसिंग, जैसे वाइड हो गए वैसे नैरो स्पेसिंग हो सकती है आईज़ में, जिसको हाइपो टैलोरिज्म अपन कह रहे हैं. पैल्पेब्रल फिशर लेंथ, फिशर लेंथ भी, फिशर लेंथ अलग हो सकती है, पैल्पेब्रल हो सकता है. एपिकेंथल फोल्ड दिखाई दे सकता है आई के ऊपर, लंबे लंबे से फोल्ड दिखते हैं कईयों में. तो बहुत सारे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं. कॉमन डिसमॉर्फिक फीचर्स के अंदर फिल्ट्रम लेंथ आती है, अपर लिप और नोज़ की शेप बिगड़ी हुई दिखाई देते हैं, लिप्स टेढ़े मेढ़े, नोज़ की शेप टेढ़ी मेढ़ी, या फिंगर्स, जैसा आपने ऋतिक रोशन को देखा है, दो अंगूठे हैं उसके हाथ में, तो वो भी एक डिसमॉर्फिक फीचर का ही एग्जाम्पल है भाई. अब इस सिंड्रोम के कारण बताइए, तो क्रोमोसोमल एन्यूप्लॉयडी इसका कारण हो सकता है, या हो सकता है भाई क्रोमोसोम एन्यूप्लॉयडी मतलब पूरे क्रोमोसोम के अंदर डिसऑर्डर आ गया, या हो सकता है क्रोमोसोम में नहीं आया, उसके किसी सिंगल जीन में कोई एबनॉर्मलिटी आ गई होगी, या टीराटोजेन एक्सपोजर. टीराटोजेन एक्सपोजर मैंने आपको टीराटोजेनेसिस फार्मा के अंदर पढ़ाया है, बताया है. टीराटोजेनेसिस क्या होता है, कुछ ड्रग्स प्रेगनेंसी में ली जाती हैं जो नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो प्लासेंटल बैरियर को क्रॉस करती हैं
और वो बच्चे के अंदर स्ट्रक्चर एबनॉर्मेलिटी कॉज कर सकती हैं। इसके अलावा एनवायरमेंटल कॉज भी हो सकता है इस सिंड्रोम का भी, कुछ एनवायरमेंट में ही ऐसे कोई रेडिएशंस थे, कोई एबनॉर्मल चीज़ थी जिसके एक्सपोजर में आप आए और या मदर आई और उसका बच्चा जो है डिफेक्टिव पैदा हुआ, तो ऐसा हो सकता है। टीराटोजेंस और डिसमॉर्फिक में मैंने बताया कि भाई कुछ मेडिकेशंस या ड्रग्स ऐसी होती है जिसमें जो डेवलपिंग फीटस होता है वो उसके एक्सपोजर में आता है और उसमें काफ़ी सारे बर्थ डिफेक्ट दिखाई दे सकते हैं। इसमें टाइमिंग ऑफ एक्सपोजर और डोज का भी फ़र्क पड़ रहा होता है कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि कितने ज़्यादा डोज मिली है, कब तक एक्सपोजर उसको मिला, उसके अकॉर्डिंग डैमेज होगा। तो वो पर्टिकुलर टीराटोजन के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है कौन सा टीराटोजन था और उसने कितनी सीवियरिटी कॉज करी। अब क्रोमोसोमल एन्यूप्लॉयडी क्या होता है, इसमें नॉन डिसजंक्शन हो जाता है, क्योंकि एक्चुअली माइटोसिस मियोसिस के अंदर आप पढ़ते हैं कि भाई डिसजंक्शन एक फीचर होता है जो चल रहा होता है जब अपन मेटाफेज एनाफेज वाला प्रोसेस पढ़ रहे होते हैं, तो डिसजंक्शन क्रोमोसोम का होता है। अगर डिसजंक्शन नहीं हो पाए तो नॉन डिसजंक्शन हो जाता है जिसकी वजह से एंटायर क्रोमोसोम या तो बढ़ जाएगा या ख़त्म हो जाएगा, एडिशन या लॉस दिखाई देता है, या फिर हो सकता है क्रोमोसोम का कोई पार्ट डिलीट हो जाए या माइक्रो डिलीशन सिंड्रोम हो जाए जिसमें स्मॉल पीस जो है वो मिस हो जाता है, विच इज़ यूजुअली डिटेक्टेड यूजिंग स्पेशल टेक्निक। स्पेशल टेक्निक का यूज़ करके अपन इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। ये होता है क्रोमोसोमल एन्यूप्लॉयडी के क्रोमोसोम में कोई प्रॉब्लम आ गई, डिफेक्ट आ गया। इसके अलावा कॉमन क्रोमोसोमल सिंड्रोम जो कि डिसजंक्शन की वजह से देखने को मिलते हैं वो है डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। वैसे तो अगर क्लास लगेगी तो मैं सारे सिंड्रोम्स आपको पढ़ाऊंगी, नहीं तो डाउन सिंड्रोम हमारे को पढ़ना ही है क्योंकि उस पर क्वेश्चन आता है। डाउन सिंड्रोम को हम ट्राइजोमी 21 कहते हैं, पटाऊ को ट्राइजोमी 13 कहते हैं, एडवर्ड को ट्राइजोमी 18 कहते हैं, टर्नर को अपन मोनोजोमी एक्स सिंड्रोम कहते हैं, क्लाइनफेल्टर को अपन 47, इसमें क्रोमोजोम रह जाते हैं XXY, ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है। तो इनके नाम अच्छे से आप याद कर लीजिए। अब डिसमॉर्फिज्म का कंक्लूजन क्या है भाई, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो स्ट्रक्चर को बनाने के काम में आ रहे होते हैं, ये इंटरैक्ट करते हैं जेनेटिक्स के बीच में, एनवायरमेंट के साथ में, एसेंशियली जो स्पेशली ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंटल स्टेजेस के अंदर ये फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं और कंजेनाइटल एनोमैली प्रोड्यूस कर देते हैं जिससे कि मॉर्फोलॉजी डिस्टर्ब्ड हो जाती है, एबनॉर्मल हो जाती है, जिसको अपन क्या कहते हैं डिसमॉर्फिज्म। बस ये डिसमॉर्फिज्म केवल किसी एक टिश्यू ऑर्गन तक भी लिमिटेड रह सकती है, बॉडी किसी पार्ट तक भी रह सकती है, पूरे सिस्टम को भी इन्वॉल्व कर सकती है और कई सारे सिस्टम्स ऑर्गन्स को भी इन्वॉल्व कर सकती है। तो ख़त्म डिसमॉर्फिज्म इतना ही है, इतना सा डिसमॉर्फिज्म हमारे को पढ़ना है। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक और चीज़ बताऊँ, डिसमॉर्फिज्म है जब एक्चुअली मैंने बोला कि भाई जब डेवलपमेंटल स्टेजेस होते हैं तब ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो डेवलपमेंटल स्टेजेस के अंदर एम्ब्रियोजेनेसिस और ऑर्गेनोजेनेसिस दो स्टेप्स चल रहे होते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस और ऑर्गेनोजेनेसिस, तो उन दोनों स्टेजेस में से किसी भी स्टेज के अंदर ये डिस्टर्बेंस हो सकती है, एम्ब्रियो बनने के दौरान भी और एम्ब्रियो के बनने बाद जब ऑर्गन बन रहे होते हैं उस दौरान भी कोई भी डिस्टर्बेंस इस तरह की आ सकती है, तो वो डिसमॉर्फिज्म कॉज कर देगी। ये पॉइंट भी आप लिख लीजिएगा, स्टार्टिंग में लिख लीजिएगा, एम्ब्रियोजेनेसिस या ऑर्गेनोजेनेसिस का प्रोसेस डिस्टर्ब्ड हो जाता है तो डिसमॉर्फिज्म देखने को मिल रहा होता है। बस इतना काफ़ी है आज के लिए। कोई भी डाउट हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, अपने क्वेश्चंस मेरे पास भेज सकते हैं। तो इसके साथ ही हम अपनी एक क्लास यहाँ पे ख़त्म करते हैं।